बॉस, आखिर कब तक इस नक्शे को देखते रहोगे? जब तक मुझे इसका आधा टुकड़ा और नहीं मिल जाता। बॉस मतलब जिंदगी भर? क्या बोला? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं बॉस, आप पानी पियो ना। अच्छा, वो दोनों को बुलाया गया? अपने पैसे लेके आने वाले थे वो। हाँ बॉस, बस आते ही होंगे। ए शाणे, तेरे बॉस ने काय को बुलाया जा रहा अपन को? हाँ खुद ही पूछ लो। सरकार काय को बुलाया रहे अपन को? मुझसे जो पैसे लिए थे तुमने वो लाए हो? ए भाऊ, अपने को काय को मांगता है? तेरा पैसा इसने लिए, इसलिए मांगने का है? अपने को काय को डिस्टर्ब करने का, इससे मांगने का? मुझे मतलब नहीं है किसने पैसे वैसे लिए थे, मुझे पैसे सिर्फ तुम 2 लाख के दोगे। हाँ तो फिर अपन को 3 साल बाद ही बुलाने का, ठीक है ना? मिल जाएगा भाई। चलो भाई। अपन का मतलब सरकार अभी पैसा है ही नहीं अपने पास, अगर होता तो अपन दे ही देता ना यार। और कैसा बड़ी रकम थोड़ी है तेरी? आए 10 लाख रुपए तो है बाबू, काय को टेंशन ले रहे है? दे देंगे। तो दे दे फिर। वही तो, अभी अपन के पास है ही नहीं। अगर अपने पास पैसा होता तो अब तक तो बॉस का हिसाब फिट। बॉस बॉस, इनसे कहो ना उस काम के बारे में, शायद वो कर सकते हैं। अच्छा सुनो, तुम दोनों मेरा एक काम करोगे ना, तो मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा और ऊपर से 5 लाख का और इनाम दूंगा। 5 लाख रुपया? अबे 10 लाख तो देखो बड़े कम लग रहे थे, और 5 लाख तो इतना बड़ा मुंह फाड़ रहे हैं। अरे मामू, 5 लाख 10 लाख से ज्यादा होता है ना। कैसे? अरे छोड़ो सरकार, आप काम बताओ अपन करेगा ना, बोलो। तुम्हें इस नक्शे के आधे टुकड़े को लेके आना है, और उस हरामजादे को भी जिसके पास ये था। अबे तुमने बोल तो दिया कि अपन ये काम कर देंगे, पर करेंगे कैसे? उसको भी तो साथ लेके आना है। अरे करेंगे करेंगे मामू, तू टेंशन काहे को लेता है? कर तो लेगा ना, जब तक तेरे भाई जिंदा तब तक करेंगे यार। भाई बाहर तो ये खड़ेला है, अपन अंदर कैसे जाएगा? ए तू टेंशन नहीं लेने का, ये छपरी इसको ऐसा देगा ना खींच के, तो ये घर के आसपास भी नहीं दिखाई देगा अगली बार साल अंदर। चलो भाई। ए चिरकुट, कल साइड में होने का अपन को अंदर जाने का यार। तुम नहीं जा सकते अंदर। अबे तू भाई को जानता नहीं है कौन है? अबे भाई को रोक रहा है तू है? अबे भाई तो काट देगा, पूरा काट देगा, समझे तू? चले साढ़े साइड होने का, अपन को अंदर जाने दे। एक बार मना किया ना तुमको? ए शाणे, अपन को अंदर जाने दे। काट दो भाई इसको, मैं काट के रख दूंगा। भाई भाई यहाँ क्यों निकाल लिया यार? ये तो हमारे टमाटर काटने के लिए घर पे है ना। चलो घर पे चलते हैं, दाल में छौंकन भी तो लगाना घर पे। चलो यार क्या कर रहे हो, चलो घर। हाँ फूफा। हाँ कैसे हो? अरे हम तो बढ़िया है, आप बताओ। चुप कर मामू, यहाँ इतनी बड़ी टेंशन हो रही है और तेरे को फूफे से बात करने की पड़ी है? अरे ये सोच कैसे उस आदमी को पकड़ने का, अगर हमने उस आदमी को नहीं पकड़ा तो वो अपन को मार डालेगा। हाँ फूफा। अरे नहीं नहीं आप बताओ। हाँ सब बढ़िया है। अबे ये अपन की बातों में भी ध्यान दे ले, कैसे उसको पकड़ने का थोड़ा दिमाग लगा ले। देख अपन आगे से तो जा नहीं सकते, क्योंकि वो आगे गल लेके खड़ा है, तो समझ रहा है अपन को कैसे जाना है? मतलब तू सही समझ रहा है। चलो तो गए भाई। चल 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 सर सर सर, मैं तो आपका वो फैन हूँ सर, मैंने आपको सुना था बहुत बड़े बॉडीगार्ड, तो मैंने सोचा एक सेल्फी सर, एक सेल्फी सर, स्माइल प्लीज सर, एक स्माइल। चल
कोई सेल्फी वेल्फी नहीं ले रही। साहब चार दिन हो गए साहब कुछ खाया नहीं है साहब कुछ मदद करो साहब 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 आइए हमारे सर आपकी मदद करेंगे बहुत दयालु है। धन्यवाद साहब। मामू हाँ भाई तुमने देखा इसका आदमी गरीबों की मदद करता है बॉस। तो अपन जा सकते हैं भाई इसकी कमजोरी है ये इसका मतलब अपन को गरीब बन के जाना पड़ेगा। चलो साहब खाना खिला दो साहब थोड़ा सा तो खिला दो साहब। बात कर रहे हैं साहब बेचारा बच्चा भूखा है 5 दिन से कुछ खाने को मिल जाएगा था। कुछ थोड़ा रोटी वोटी मिल जाएगा तो बात कर रहे हैं ना अभी साहब रो भी नहीं गया रो थोड़ा जो साहब प्लीज थोड़ा बात करो ना बाबूजी से हमको कुछ खाने को मिलेगा। ठीक है आ जाइए हमारे सर आपको खिला देंगे। अरे जय हो आ जाइए बहुत दानवीर हो आप। कोई नहीं आ जाइए। अरे अरे कोई साहब कुछ खाने को दे दो साहब कुछ पीने को दे दो साहब थोड़ा। हाँ हाँ बैठो मैं लेकर आता हूँ। चल क्यों खाना ढूंढ रहा है साहब भूखा है ना बेचारा। ठीक है मैं नौकर को भिजवा साहब। भाई अब नक्शे का टुकड़ा उसको देते और अपनी अब आधा नक्शे का टुकड़ा उसको देना नहीं है बल्कि आधा उससे लेना है। पर भाई कैसे लेंगे हम यार जब हमने इस आधे नक्शे के टुकड़े को लिया तो उसको भी ले सकते हैं यार। अरे हाँ भाई बस तू जैसा मैं बोलूँ तुझको वैसा करना है। कहाँ है मेरा नक्शे का टुकड़ा लाओ मुझे दो। हाँ भाई वो तो अब लेके ही नहीं आया तो फिर तुम क्यों आए। अरे भाई मानने वाले में क्या रखा है शांत हो जाओ भाई शांत हो जाओ यार थोड़ा। हाँ ठीक है ठीक है। और वो अपुन को पता भी लग गया उसको अगर किधर है अपुन को थोड़ा टाइम और देने का लेकिन अपुन वादा करता है वो नक्शा तुमको पहुँचा देगा। और वैसे तुमको पता है वो जो नक्शे के टुकड़े जिसके पास है ना भाई वो उसका घर आपको यहाँ से दिखता भी है। पास है एकदम बिल्कुल इधर से दिखता भी है उसका घर। हाँ कहाँ से। अरे 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 भाई भाई देखो ना उधर देखो इधर आओ इधर आओ देखो देखो वो दिख रहा है आपको घर। कौन सा घर। अरे वहाँ देखो ना वहाँ वाह 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 देखो देखो दिखा आपको दिखा। अरे नहीं 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 वो नहीं है शायद घर। नहीं नहीं भाई आप टेंशन मत लो भाई हम ले आएंगे आपका नक्शा ना ठीक है ना। आप टेंशन मत लो आप बिल्कुल टेंशन मत लो हम ले आएंगे ठीक है ना। भाई तुम भी तो ढूंढो यार। विश्वास होगा होगा भाई अब तो मेरी गोद भर दो मतलब खजाने से भाई ढूंढो तो सारी गोद भर दो। ये क्या भाई माल कॉल 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 जल्दी 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 ओए 10 लाख रुपए का माल ओए भगवान ओ तो करने की पूरे इसमें तो बंदूक कट्टा। चलो 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 भाई भाई भाई
खजाना रख जाते ना उनके लिए। हाँ रख जाते रख दो। किसका फोन बदल रहा यार भाई तुम उठाओ ना यार। अरे फोन को सोने दे यार इसका बात कर दे। अरे भाई भाई मेरे को और यार बच्चा बच्चा दादा मैं नहीं उठा रहा। तू बात कर भाई 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 प्लीज तू बात उठा लो वो घर आके अपन को उठा ले वो ना। हाँ हाँ बच्चा दादा हाँ बस आपके पास ही आ रहे हैं नक्सल लेके आपके पास ही आ रहे हैं बस। ठीक है दादा ये चल बेटू जल्दी से उसको नक्सा देते हैं इससे अपना काम खत्म हो। चलो भाई पर भाई एक मिनट क्या उसने तो उस आदमी को भी तो बुलाया था अब उसको कैसे लेके आए भाई कहाँ से लाऊं। अगर ऐसे कपड़े आपको पहना दे तो आप तो इसके जैसे लगते हो यार देखो ये पागल है क्या तू पागल भाई क्या होगा यार वहाँ जाके बस एक बार आ जाएंगे अपन ये वो कपड़े पहन लो ना यार ऐसे और उसने अपन को मार दिया तो अरे भाई मारेगा तुम उसने सिर्फ आपको बुलाया है चल अपन ट्राई कर ऐसे मत बोलना वहाँ पे भाई पकड़े जाएंगे हम नॉर्मल यार भाई ए दोस्त हाँ भाई आप लग रहा ना सही ये लो भाई आपका गुनेगार लगता है ज्यादा ही खुशी हो रही है अब तो तू गया बेटा। अरे 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 भाई मारने की क्या जरूरत है इसमें मारने की क्या जरूरत है भाई आपके वैसे भी आपके नक्शे का टुकड़ा दे रहा है ना ये देखो भाई मतलब भाई आपके नक्शे का टुकड़ा भी दे रहा है अपनी गलती मान रहा है अपनी गलती मान रहा है अब माफ करो ना इसको जान दो है ना। हाँ वैसे भी सही बोल रहा है चलो तुम दोनों जाओ यहाँ से। पहुंच गए भाई। अरे बीड़ू पर अपन के पास अब पैसा तो बचा ही नहीं अब क्या करेगा अपन। अरे अरे अपन उधर वो खजाना छोड़ के आए थे ना कुछ थोड़ा तो उसमें से निकाल लेते हैं। पर भाई चुप रे यार तू चुप चल उधर उसको खजाना पर, निकाल पर भाई तो... अरे चुप रे पर यार तू बेवकूफ ये छोड़ के गया था खजाने में तू एक का सिक्का यही तो बोल रहा था मैं बेवकूफ मेरा खजाना बच्चा दादा नमस्ते। हाँ ये रहा बच्चा दादा आपका खजाना ना 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 मेरे को नहीं चाहिए खजाना मुझे मेरे 10 लाख रुपए चाहिए ठीक है। ढोल नु गले दे विच पाई जरा टोलिया खिच के डगे ते डगा लाई जरा टोलिया आज खुशियां च लाउणी यार तारियां आजा बापू पाई भंगड़े प्यो पुत दियां हुंदियां ने यारियां आजा